जयपुर विद्याधर नगर के विधायक नरपत सिंह राजवी पहुंचे चिड़ावा। शहर के मंडल बूथ कार्यकर्ताओं की बैठक को किया संबोधित। चिड़ावा में खेतड़ी रोड भूतनाथ मंदिर के पास स्थित जांगिड़ मैरिज हॉल में भाजपा की चिड़ावा शहर व ग्रामीण मंडल बूथ कार्यकर्ताओं की बैठक आयोजित हुई। देर शाम हुई बैठक में पहुंचे विद्याधर नगर जयपुर के विधायक नरपत सिंह राजवी ने कार्यकर्ताओं को संबोधित किया तथा पार्टी को मजबूत करने को लेकर अपने विचार रखे। उन्होंने कहा कि केंद्र की मोदी सरकार की ओर से सुशासन के कार्य से जनता खुश है तथा पीएम मोदी की अगुवाई में भाजपा मजबूत हुई है। भाजपा जिस प्रकार जनता की सेवा कर रही है उसके लिए भाजपा के हर एक कार्यकर्ता ने अपनी जिम्मेदारी निभाई है, तभी जनता ने भाजपा को चुना है। इस दौरान मंच पर पूर्व प्रधान कैलाश मेघवाल, भाजपा नगर मंडल अध्यक्ष बाबूलाल वर्मा, भाजपा जिला महामंत्री राजेश दहिया, मुकेश जलिंद्र आदि कई मौजूद रहे। पूर्व प्रधान की अगुवाई में ओष्टू बाईपास पर पुष्प वर्षा के साथ हुआ प्रदेश प्रभारी का अभिनंदन। पीएम नरेंद्र मोदी जिंदाबाद के लगे नारे। ओष्टू बाईपास पर भाजपा प्रदेश प्रभारी को पुष्प वर्षा के साथ स्वागत किया गया। पिलानी विधानसभा से भाजपा प्रत्याशी रहे एवं चिड़ावा पंचायत समिति के पूर्व प्रधान कैलाश मेघवाल की अगुवाई में प्रदेश प्रभारी अरुण सिंह का जोरदार स्वागत हुआ। पूर्व प्रधान ने माला, साफा और तलवार भेंट कर उनका स्वागत किया। इस दौरान पिलानी पंचायत समिति प्रधान सुमन संदीप रायला, पूर्व सरपंच नीतिराज शेखावत, भाजपा नेता विकास भालोटिया, पूर्व सरपंच शीशराम डांगी, रामचंद्र शर्मा, फारूक मंडरेला, पूर्व सरपंच बदनगढ़ सीमा कंवर, चरण सिंह, महेंद्र मोदी, विक्की सोलंकी, रजनीकांत मिश्रा, रमेश स्वामी, असलम रंगरेज, पार्षद गंगाधर सैनी, भाजपा मंडल अध्यक्ष बाबूलाल वर्मा, मदन डारा, प्रभु सैनी सहित सैकड़ों की संख्या में गणमान्य लोग मौजूद रहे। आज हमारे जिले में प्रदेश कार्य समिति की बैठक हो रही है। इस अवसर पर पूरे प्रदेश के, भारत के नेता और पार्टी के पदाधिकारी पधारे हैं। इसी अवसर पर दिल्ली से झुंझुनू रोड पर हमारे राजस्थान के प्रदेश प्रभारी माननीय अरुण सिंह जी पधारे। उनके स्वागत कार्यक्रम में राज्य प्रधान, हमारे सरपंचगण, जनप्रतिनिधिगण, भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता सभी ने बड़ी खुशी से और काफी देर इंतजार करके उनका स्वागत किया। प्रदेश प्रभारी अरुण सिंह के चिड़ावा आगमन पर भाजपा जिला अध्यक्ष एवं भाजपा जिला महामंत्री की अगुवाई में हुआ जोरदार स्वागत। भाजपा की प्रदेश कार्य समिति की बैठक में हिस्सा लेने पहुंचे प्रदेश प्रभारी अरुण सिंह का चिड़ावा शहर के रेलवे स्टेशन रोड स्थित आरडीएम अस्पताल के सामने जोरदार स्वागत किया गया। भाजपा जिला अध्यक्ष पवन मावंडिया एवं जिला महामंत्री राजेश दहिया की अगुवाई में तलवार एवं साफा तथा 51 किलो की माला पहनाकर जोरदार स्वागत किया गया। इस दौरान भाजपा मंडल अध्यक्ष बाबूलाल वर्मा, वरिष्ठ पार्षद योगेंद्र कटेवा, मदन डारा, मुकेश जलिंद्रा, अशोक शर्मा, मोहित तामड़ायत, सुभाष सैनी, बैजनाथ मोदी, सुभाष धाबाई आदि कई मौजूद रहे। भाजपा जिला महामंत्री दहिया ने बताया कि प्रदेश प्रभारी दो दिवसीय दौरे पर झुंझुनू पहुंचे हैं तथा दो दिन तक प्रदेश कार्य समिति की बैठक में, जो कि चुड़ैला मंडावा में आयोजित होगी, उसमें हिस्सा ले रहे हैं। इससे पहले बैंड बाजे के साथ प्रदेश प्रभारी का स्वागत किया गया। अरुण सिंह जी प्रदेश प्रभारी चिड़ावा होकर के यहाँ से गुजर रहे हैं। उनके स्वागत की तैयारियाँ कचहरी बॉर्डर से लेकर के, कचहरी बॉर्डर पे उनका स्वागत किया जाएगा, सिंघाना में किया जाएगा, लाखों में किया जाएगा, उसी प्रकार से चिड़ावा में उनका स्वागत किया जाएगा। ठीक इसी प्रकार से प्रत्येक मंडल में, झुंझुनू जिले में 42 मंडल में प्रत्येक मंडल पर एक प्रवासी लगाया गया है, साथ में प्रदेश कार्य समिति सदस्य लगाया गया। प्रत्येक मंडल में उनकी संगठनात्मक बैठक चल रही, वो अलग अलग मोर्चा वाइज अलग अलग बैठक और सम्मेलन का आयोजन किया जा रहा है। उसी के निमित्त पूरे प्रदेश भर में सभी कार्यकर्ताओं में बहुत उत्साह है, हर्षोल्लास के साथ एक त्यौहार की तरह से सब लगे हुए हैं और सभी बहुत बहुत प्रसन्नता है। धन्यवाद। अपर जिला एवं सेशन न्यायालय परिसर चिड़ावा में तालुका विधिक सेवा समिति की ओर से लगी लोक अदालत। अपर जिला एवं सेशन न्यायालय परिसर में नालसा एवं रालसा की ओर से लोक अदालत का आयोजन किया गया। समिति के अध्यक्ष एवं अपर जिला एवं सेशन न्यायाधीश तथा पैनल के अधिवक्ता लोकेश शर्मा ने
पक्षकारान को समझाइश कर दीवानी, फौजदारी, वैवाहिक विवाद और मोटर दुर्घटना के विभिन्न प्रकरणों में राजीनामा करवाया। इसके अलावा विद्युत विभाग, BSNL, राष्ट्रीयकृत बैंक SBI, PNB, कैनरा बैंक सहित अन्य बैंकों के प्रतिनिधि मौजूद रहे। लोक अदालत में कुल 177 प्रकरणों का निस्तारण किया गया। इस दौरान अधिवक्ता कपिल चाहर, लक्ष्मीचंद वर्मा, भीम सिंह सैनी, दीपक शर्मा, राकेश आर्य, रोबिन, अनिल मान, सोनू तामड़ायत, विजय गुरावा, दीपक आदि मौजूद रहे। बिरला स्कूल पिलानी में रंगारंग सांस्कृतिक कार्यक्रमों के साथ वार्षिकोत्सव अभिव्यक्ति 2022 का हुआ भव्य आयोजन। बिरला स्कूल पिलानी का वार्षिकोत्सव हर्षोल्लास के साथ मनाया गया। वार्षिकोत्सव का शुभारंभ मुख्य अतिथि द्वारा श्लोक उच्चारण के मध्य दीप प्रज्वलन कर किया गया। इस अवसर पर विद्यालय प्राचार्य धीरेन्द्र सिंह ने विद्यालय का वार्षिक प्रतिवेदन प्रस्तुत कर विद्यालय की शैक्षिक एवं शैक्षणिक उपलब्धियों से अवगत करवाया। इस अवसर पर विद्यालय की ई पत्रिका एज अक्टूबर 2022 का विमोचन किया गया। मुख्य अतिथि डॉक्टर संचित त्यागी, IRTS ज्वाइंट डायरेक्टर, नेशनल बुक ट्रस्ट दिल्ली, बिरला स्कूल पिलानी के पूर्व छात्र 2000 बैच ने अपने विद्यालय के पूर्व अनुभव साझा किए। विशिष्ट अतिथि कैप्टन अंकुर डिल्लो, चेयरमैन वेंकटेश्वर सिग्नेचर स्कूल रायपुर, पूर्व छात्र 1997 बैच डॉक्टर करण सिंह पूनिया, सुप्रसिद्ध हृदय रोग विशेषज्ञ, पूर्व छात्र 1972 बैच रहे। इस दौरान सांस्कृतिक कार्यक्रमों का भी आयोजन किया गया। कार्यक्रम के अध्यक्ष निदेशक बिरला एजुकेशन ट्रस्ट मेजर जनरल SS नायर ने विद्यार्थियों की बहुमुखी प्रतिभा को सराहा और उनके उज्ज्वल भविष्य की कामना की। जब हिंदुस्तान में बहुत कम स्कूल थे तब बिरला जी ने पिलानी में ये स्कूल और कॉलेज का स्थापना किया था। उस दिन से आज तक ये स्कूल एकदम नंबर 1 स्कूल रहा है हमेशा।